नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार की आज की सुर्खियों में मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। तो बात करते हैं आज की सुर्खियों की। मौरवी हादसे के बाद गुजरात में शोक की लहर, सीएम भूपेंद्र पटेल ने 2 नवंबर को पूरे गुजरात में किया शोक का ऐलान। मौरवी हादसे पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 मैनेजर सहित 9 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मौरवी पुल हादसे के बाद यूपी के चंदौली में भी टूटा पुल, तर्मनाशा नहर पर बना ब्रिज छठ पूजा के दौरान टूटा। ब्रिज पर मौजूद थे छठ पूजा में शामिल श्रद्धालु, नहर में पानी कम होने की वजह से लोगों की बची जान। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 55वां दिन, तेलंगाना के माथा मंदिर से राहुल गांधी ने की शुरुआत। महाराष्ट्र के सोलापुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार से कुचलकर 5 महिलाओं और 1 बच्चे सहित 7 श्रद्धालुओं की हुई मौत। सीएम एकनाथ शिंदे ने हादसे पर व्यक्त किया शोक, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजा देने का किया ऐलान। एलन मस्क खुद बने ट्विटर के सीईओ, सभी बोर्ड डायरेक्टर्स को हटाया। दिल्ली के नरेला में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, कई लोग अंदर फंसे। तो ये थी आज की सुर्खियां, कल फिर मिलेंगे कुछ नई सुर्खियों के साथ। तब तक बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।